दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 40 अरब से भी ज्यादा ऐसे एक्सोप्लैनेट मौजूद हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और ब्रह्मांड में मिल्की वे जैसी अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद है। इस विशालता को देखकर ये मानना मुश्किल नहीं है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम स्पेस ट्रैवल या इंटरस्टेलर या गैलेक्टिक ट्रैवल कर सकें। स्पेस वर्ल्ड की इस अनोखी दुनिया में सबसे बड़ा एक ही क्वेश्चन है जो सबके माइंड में आता है, क्या एलियंस वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? अगर है तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? समय दर समय इस पॉसिबिलिटी को स्टडी किया गया और अनुमान लगाया गया कि एक सिविलाइजेशन 10 करोड़ सालों तक एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी के लेवल का अंदाजा लगाना हमारे लिए बेहद ही मुश्किल था। इस बात की गहराई एक एस्ट्रोनॉमर निकोलाय कार्दाशेव के जहन में आई। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में कई अलग अलग लेवल की सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है जो कई लाखों करोड़ों या अरबों सालों से वजूद में रह रहे हैं। इसी थॉट ने सभी वैज्ञानिकों के माइंड में एक सवाल पैदा कर दिया कि अगर ब्रह्मांड में अलग अलग टाइम पीरियड के एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है तो हम उन्हें कैसे डिफाइन करें या समझे कि वे टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं या पीछे। इसी थॉट की मदद से कार्दाशेव ने यह डिसाइड किया कि ये मैटर नहीं करता वे कैसे दिखाई देते हैं या वे किस टाइप के हैं। मैटर ये करता है कि ये सिविलाइजेशन अपने को डेवलप करने के लिए कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एनर्जी जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन वही साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास में एनर्जी हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। अब कोई भी सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी उतने ही ज्यादा वे एडवांस होंगे। कार्दाशेव ने मेजर किया कि कोई भी सिविलाइजेशन कितनी अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम कर सकती है, जिससे हमें एक अनुमान मिल सके कि एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन से कितनी एडवांस है। निकोलाय कार्दाशेव का ये मेथड आज कार्दाशेव स्केल के नाम से जाना जाता है, और आज हम इन्हीं सभी सिविलाइजेशन के लेवल को डिटेल में समझेंगे, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, कार्दाशेव ने अपनी खुद की स्टडी में केवल 3 सिविलाइजेशन को डिफाइन किया है, Type 1, Type 2 और Type 3। लेकिन उनके जाने के बाद इस मेथड पर और ज्यादा रिसर्च और स्टडी किया गया, जिसके बाद एक काउंट Type 1 से लेकर Type 7 के लेवल तक बढ़ गया। तो चलिए 1 by 1 अलग अलग लेवल की इन सिविलाइजेशन को समझते हैं। दोस्तों, Type 0 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं, जिसमें वे ना केवल पेड़ों से बल्कि नेचुरल गैस, तेल, पेट्रोलियम सभी को ऐसा एनर्जी का सोर्स के रूप में यूज करते हैं। Type 0 सिविलाइजेशन को ब्रह्मांड में बेबी सिविलाइजेशन से भी रिलेट कर सकते हैं, जो एलियन लाइफ की सबसे अर्ली स्टेज को मान सकते हैं। कार्दाशेव स्केल में सिविलाइजेशन के टाइप को पर सेकंड कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उससे डिफाइन किया जाता है। फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगल ने मेथड को कैलकुलेट किया और उन्होंने भी एक अनुमान लगाया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2018 तक हमारी ग्लोबल सिविलाइजेशन जिस अमाउंट की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, तो कार्दाशेव स्केल के बेस पर हमारी सिविलाइजेशन Type 0.72 लेवल पर होगी। और बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर का मानना है कि आने वाले 200 साल तक हमारी सिविलाइजेशन Type 1 तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, Type 1 सिविलाइजेशन को प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें वे ना केवल नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हैं, बल्कि इनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। अभी हमारी सिविलाइजेशन 0.72 स्केल पर है, तो हमारे पास बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद हैं, जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूजन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कन्वर्जन में बहुत ही बड़े खतरे शामिल हैं, जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट और न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े खतरे शामिल हैं। लेकिन Type 1 सिविलाइजेशन जरूर न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करते होंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन के कंसेप्ट का आइडिया भी हमारे इकलौते तारे सूरज से ही जन्मा है, क्योंकि सूरज भी जब से वजूद में आया है तब से लेकर आज तक सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है। अगर हम यही न्यूक्लियर फ्यूजन की एबिलिटी को डेवलप कर पाए तो हम साफ, सुरक्षित और अनलिमिटेड न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। और जिस दिन हम Type 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, तब हम एस्ट्रोनॉट्स को सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर आसानी से भेज सकेंगे। दोस्तों, Type 2 सिविलाइजेशन को स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन अपनी एनर्जी का सोर्स ना केवल अपने सौर मंडल के तारे पर निर्भर होते हैं, बल्कि सौर मंडल के पड़ोसी तारे को भी अपनी एनर्जी का सोर्स बनाते हैं। जिस पल Type 1 सिविलाइजेशन Type 2 बनने की तैयारी में होंगे, वे केवल आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन के दम पर साइंस और टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि एक तारे की एनर्जी हमारी स्टेलर ट्रेवल या एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए पूरी नहीं पड़ेगी। फेमस अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को दुनिया के सामने रखा था, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन इवॉल्व होती जाएगी, वैसे वैसे ही हम दूर दूर के सौर मंडल के सभी तारों को अपनी एनर्जी का सोर्स बनाने में सक्षम होने लगेंगे। वो कैसे? ये है डायसन स्फीयर। फ्रीमैन डायसन के द्वारा बनाया गया वो कंसेप्ट जो आज भी वैज्ञानिकों को काफी मदद करता है आगे फ्यूचर सिविलाइजेशन को इवॉल्व करने में। इस कंसेप्ट में डायसन स्फीयर के मॉडल को दर्शाया गया है, जो एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो किसी तारे की सोलर पावर को ज्यादा अमाउंट में कैप्चर कर सकेगा। लेकिन ये सब रियल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक विशाल तारे को जिसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, उस तारे को पूरी तरह एक शेल से कवर कर लेना अभी ये कंसेप्ट पूरी तरह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं एक और कंसेप्ट भी है जो काफी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक भी है, जो है डायसन रिंग, जो तारे को ऑर्बिट करते हुए उसकी सोलर एनर्जी को स्टोर करता रहेगा। और जब हमारी सिविलाइजेशन टाइप 2 में इवॉल्व हो जाएगी, उस पर हमें हमारी नॉर्मल लाइफ में एनर्जी की कमी या प्रॉब्लम बिल्कुल फेस नहीं होगी। इससे गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हम किसी भी ग्रह का सफर फ्री में भी आराम से ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि उस समय स्पेस कॉलोनी का भी दौर शुरू हो जाएगा। और रिसर्चर्स का मानना है कि जिस लेवल से हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उस गति से कम 1 लाख सालों का समय लगेगा टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में। दोस्तों, टाइप 3 सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। टाइप 3 भी अपनी एनर्जी के सोर्स टाइप 2 के जैसे तारों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन टाइप 3 सिविलाइजेशन अपने आसपास के तारों पर नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी के तारों से अपनी एनर्जी का सोर्स बनाते हैं। गैलेक्सी में इतनी दूरी तय करने के लिए उनके पास एंटी ग्रेविटी डिवाइस मौजूद होंगे, जिससे वे आसानी से किसी भी तारे की एनर्जी को हार्नेस कर सकेंगे। अगर आप ये क्लिप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आसानी से तारे के पास आते हुए और जाते हुए दिखाई देता है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये सेम एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट जैसा ही है जो टाइप 3 या टाइप 4 सिविलाइजेशन ने एनर्जी कलेक्ट करने के लिए भेजा है। टाइप 3 सिविलाइजेशन वार्म होल को भी बना पाने में सक्षम होंगे, जो गैलेक्सी में कई लाइट ईयर का सफर हम कुछ ही मिनटों में कवर कर पाएंगे। ऐसे में गैलेक्टिक ट्रेवल करने में हो सकता है हमारा शरीर हमारा साथ ना दे। ऐसे में टाइप 3 सिविलाइजेशन अपनी ह्यूमन लाइफ फॉर्म की लिमिट्स को भी पुश करेगा, जिसमें वे साइंस और वेदों की मदद से आत्मा को शरीर से अलग करके अमरता को हासिल कर सकेंगे। लेकिन ऐसा करना टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, टाइप 4 सिविलाइजेशन को यूनिवर्सल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिविलाइजेशन भी टाइप 3 के जैसे वार्म होल पर डिपेंडेंट होंगे, लेकिन वे इतने ज्यादा एडवांस होंगे कि वे खुद के वार्म होल क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि गैलेक्सी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वे आर्टिफिशियल वार्म होल को बनाए रख सके। यहीं से ही टाइप 4 सिविलाइजेशन बनने की शुरुआत होगी, क्योंकि अब की सिविलाइजेशन का एनर्जी सोर्स कोई तारा नहीं बल्कि सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा दरअसल एक इवेंट है जिसमें एक तारा अपनी फाइनल एज में होता है और अंत में एक बहुत ही बड़े धमाके में खत्म भी हो जाता है, जिसमें वह इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है जितनी वह अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं करता। एक सुपरनोवा इवेंट पूरी गैलेक्सी में 40 सालों में एक बार होता है। ऐसे में टाइप 4 सिविलाइजेशन पास की गैलेक्सी से सुपरनोवा की एनर्जी को हार्नेस करने लगेंगे, जिसके लिए उन्हें गैलेक्टिक स्पेसशिप की जरूरत होगी या फिर खुद के बनाए हुए वार्म होल्स। जिस मोमेंट ये सिविलाइजेशन टाइप 4 के लेवल को भी क्रॉस करने लगेंगे, तब वे पूरी तरह इंसान के शरीर से आत्मा को अलग कर सकेंगे और अमरता को पा सकेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो दोस्तों ऐसा सेम कंसेप्ट हमने एक साइंस फिक्शनल मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखा है, जिसमें वह आत्मा को शरीर से अलग करके आत्मा को जिंदा भी रखते हैं और उस फॉर्म को कहा जाता है एस्ट्रल फॉर्म। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी जरूर देखें। दोस्तों, टाइप 5 सिविलाइजेशन को मल्टीवर्सल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जिस पल एक सिविलाइजेशन को ये यकीन हो जाएगा कि मल्टीपल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे यूनिवर्स में भी ब्लैक होल के जरिए ट्रेवल किया जा सकता है, उस पल टाइप 4 सिविलाइजेशन मल्टीवर्सल सिविलाइजेशन में बदल जाएगी। लेकिन एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक जाने में अनगिनत मात्रा में ऊर्जा की जरूरत भी होगी। ऐसे में व्हाइट होल्स ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत साबित होंगे, क्योंकि व्हाइट होल ठीक ब्लैक होल के जैसे ही होता है, लेकिन व्हाइट होल अपने अंदर सब कुछ खींचता नहीं बल्कि इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। व्हाइट होल का एग्जिस्टेंस आइंस्टीन की टाइम रिवर्स ब्लैक होल सॉल्यूशन के जरिए पता लगा था।
हमारी सिविलाइजेशन के लिए ये मैज एक थ्योरी है, लेकिन हो सकता है कि टाइप 5 सिविलाइजेशन व्हाइट होल की एग्जिस्टेंस को समझकर उसे अपनी एनर्जी का सोर्स बना रहे हों। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाइट होल की एनर्जी हमें कैसे दूसरे यूनिवर्स में जाने में मदद करेगी, तो एक व्हाइट होल हमारी गैलेक्सी की टोटल एनर्जी का 15 लाख गुना ज्यादा है, जिसकी मदद से वे यूनिवर्स के एक गेट से दूसरे गेट तक पहुंचने में मदद करेगी। जिसके बाद टाइप 5 सिविलाइजेशन को ये महसूस होगा कि वे अपनी सिविलाइजेशन की इवोल्यूशन की पीक पर हैं और उस मोमेंट वे 3-डायमेंशनल वर्ल्ड को मास्टर कर चुके होंगे। लेकिन लाइफ का एग्जिस्टेंस 3-डायमेंशनल बिल्कुल भी नहीं है, और जब वे दूसरे यूनिवर्स पहुंचेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि लाइफ का एग्जिस्टेंस केवल 3-डायमेंशनल में नहीं है। दोस्तों, टाइप 6 सिविलाइजेशन को मल्टी डायमेंशनल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जिस पल एक सिविलाइजेशन को ये महसूस हो जाएगा कि लाइफ 3-डायमेंशनल के परे भी मौजूद है, तब वे पहला कदम बढ़ाएंगे मल्टी डायमेंशनल सिविलाइजेशन बनने की ओर। अगर हम किसी कारण 4th डायमेंशनल की दुनिया में घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारा 3-डायमेंशनल में बना शरीर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम टाइप 6 सिविलाइजेशन को बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उस समय वे एस्ट्रल फॉर्म को मास्टर कर चुके होंगे, जिसमें वे अपने को जिंदा रखने के लिए शरीर पर निर्भर नहीं रहेंगे। बस एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टाइप 6 को फेस करनी पड़ेगी, वो है ऐसे डायमेंशन में एंटर करने में लगने वाली ऊर्जा। इसीलिए वे अलग अलग यूनिवर्स में व्हाइट होल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए दूसरे डायमेंशन में एंटर कर पाएंगे। ऐसे बड़े डायमेंशन में एंटर करने पर सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वो है समय पर, क्योंकि न्यू डायमेंशनल वर्ल्ड में नए रूल्स और नया समय होगा। ऐसे में जो सिविलाइजेशन इस स्केल को क्रॉस कर लेगी वो आसानी से टाइम ट्रेवल भी कर पाएंगे, जो समय में पीछे जाकर चीजों को बदल सकेंगे, और फिर यही सिविलाइजेशन इवॉल्व होकर बनेगी टाइप 7 सिविलाइजेशन। दोस्तों, टाइप 7 सिविलाइजेशन को क्रिएटर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिविलाइजेशन बाकी सभी 6 सिविलाइजेशन से बिल्कुल ही अलग होगी, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन 6 मल्टी डायमेंशनल सिविलाइजेशन से ज्यादा और विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन टाइप 6 सिविलाइजेशन जानते होंगे कि क्रिएटर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वे खुद कितनी भी कोशिश कर लें, वे टाइप 7 में इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टाइप 7 सिविलाइजेशन कोई एक्चुअल में ह्यूमन या एलियन सिविलाइजेशन नहीं है, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस मौजूद है, जो हमें महसूस भी होता रहेगा, क्योंकि सभी मैटर, एनर्जी, नेचुरल लॉ, स्पेस, टाइम और सभी डायमेंशंस के क्रिएटर इस लेवल पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि वे क्रिएटर है कौन, सुपीरियर एलियंस या भगवान? कोई नहीं जानता, लेकिन वे सभी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम आज के टाइम पे भगवान मानते हैं। तो दोस्तों, सिविलाइजेशन के वर्ल्ड में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।